हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज कैसे हैं दोस्तों आप लोग, होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज आए हुए हैं श्री राम कमर्शियल शोरूम के जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, पीछे थोड़ा सा जनरेटर चल रहा है जिस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो गाइज आज आपके लेके आए हैं ऑल न्यू 2022 की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप देख सकते हैं ऑल न्यू उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि है 13 अप्रैल 2022। डार्क स्टील ब्लैक क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। तो गाइस जैसा कि आज का थंबनेल और टाइटल आप सबने देख ही लिया होगा कि इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ बढ़ चुका है। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि नाउ इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है और इसमें क्या कुछ कंपनी आपको न्यू प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी जो भी डाउट्स होंगे इस बाइक को लेकर वो हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर ले ऑल ओवर लुक्स के बारे में, तो लुक्स में आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वही सेम लुक आपको देखने मिलेगा रिबॉन वाला जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। की भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे आपको। इसमें आपको दोनों तरफ ही रॉयल एनफील्ड के लोगो मिल जाएंगी देखने के लिए। फ्रंट में अगर इग्निशन ऑन करने पर आपको 2 पैड लैम्प्स हैलोजन बल्ब सेटअप मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपको आर का लोगो भी मिल जाएगा देखने के लिए। ऊपर में आपको लाइट कवर मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर बात करें ऑल ओवर कलर के बारे में, तो फुल मैट में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इंडिकेटर्स अभी भी आपको बल्ब में ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कोई आपको एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों। इसमें आपको 1000 लाइट का एडिशनल स्विच मिल जाता है जिसमें आपके चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और बात करें इसके ऑल ओवर फ्रंट लुक के बारे में, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम लुक है। इंडिकेटर्स आपको बल्ब में मिल जा रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जा रहा है 41mm का, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट मिल जा रहा है। उसके नीचे आपको फुल मैट में इसका मडगार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 100x19 इंच के, आपको ब्लैक अलॉय मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाता है, डुअल पिस्टन बाइवरी के कैलिबर्स मिल जाते हैं। डिस्क साइज आपको मिल जाता है 300mm का, और यहाँ पर आपको एवीएस सेंसर मिल जाता है। टायर सेक्शन जैसे कि मैंने कहा 100x19 इंच के, आपको ब्लैक अलॉय जिसमें आपको रेड के पूरे बॉर्डर्स मिल जाएंगे देखने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एवीएस सेंसर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको दोनों ही तरफ, राइट टू लेफ्ट दो रिफ्लेक्टर्स कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड कर देती है। तो इसमें अभी फिलहाल ऐसा कोई भी न्यू अपडेट नहीं है, वही सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात कर ले इसके रियर लुक के बारे में गाइस, तो सबसे पहले आपको रियर लुक दिखा देते हैं। रियर लुक में भाई आपको राउंड शेप में इसका टेल लैम्प मिल जाएगा, इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इसके ग्रैबरल्स रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग और नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट। और साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सारी गार्ड, और एक साइड फीमेल फुटरेस्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। पिलियन फुटरेस्ट में भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, तो प्रीमियम क्वालिटी की आपको पिलियन फुटरेस्ट मिलती है। पीछे का सस्पेंशन आपको ट्विन टॉप इमोशनल शॉक ऑब्जर्वर मिलता है विद 6-स्टेप एडजस्टेबल। पीछे का डिस्क आपको मिल जाता है 270mm का। टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 120x80 और 18 इंच के आपको ब्लैक अलॉय मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट देख सकते हैं फुल ब्लैक में एग्जॉस्ट मिल जाता है। उसके ऊपर जो कवर है वो आपको मेटल का मिलता है, इसमें कोई भी फाइबर वर्क यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप इसका ऑल ओवर कलर देख सकते हैं। टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 13 लीटर्स की रिजर्व में 2.6, और यहाँ पर आपको टैंक पैड दिख जाएगा, 3D लोगो जो कि आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। दो स्प्लिट में सीट्स मिल जाएंगे, सीट हाइट आपको 805mm का मिलेगा। कुशनिंग अच्छी है, कंफर्टेबल ही रहती है इसमें, रॉयल एनफील्ड आपको कंफर्ट ही राइड प्रोवाइड करती है। और मिरर्स देख सकते हो गाइस, यहाँ पर इसका ऑल ओवर लुक देख सकते हो, कोई न्यू अपडेट्स नहीं है, सेम मिलता है ऑल ओवर लुक। बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में गाइस, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड कर देती है 349cc का इंजन, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल इंजन मिलता है, BS6 फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, मैक्सिमम PS 20.2 जो कि आपको मिलती है 6100 RPM में, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 27 Nm जो कि आपको मिलता है 4000 RPM में। नंबर्स ऑफ गियर्स आपको 5 मिल जाते हैं, 1 डाउन 4 अप जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें कंपनी आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी प्रोवाइड करती है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है देखने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है, तो सबसे पहले इसे न्यूट्रल में करना होगा, तो इससे पहले न्यूट्रल में कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे न्यूट्रल में कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एन का लाइट आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल में मिलते हैं। डिजिटल में आपको ओडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, नंबर्स ऑफ ट्रिप्स आपको 2 मिल जाते हैं, टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह खाली जहाँ पर आप अपना नेविगेशन मीटर लगवा सकते हैं, फॉर एसेसरीज इंक्लूडेड वो आता है। तो अब आपको बताते हैं कि साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर कैसे काम करती है, तो अभी कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं न्यूट्रल में है गाड़ी हो गई है स्टार्ट, और जैसे ही हम गियर डाउन करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी क्योंकि इसमें कट ऑफ सेंसर यूज़ किया गया, जिससे अगर स्टैंड डाउन रहेगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है फॉर सेफ्टी,
और अब आपको सुना देते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बेस है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी बाइक सुनी है रिबॉन में, उसमें सबसे ज़्यादा बेस मुझको इसी बाइक का लगा, मतलब आपके डार्क एडिशन में। आप जैसे सुन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बेस साउंड आता है, ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ज़्यादा लाउड है, मतलब नॉर्मल सा रिफाइंड और बेस, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसका जो साउंड है। और लुक्स आप देख सकते हो, लुक्स में कोई भी ज़्यादा न्यू अपडेट्स नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 2145 mm का वाइडनेस मिल जाती है, 785 mm की हाइट मिल जाती है, 1090 mm का ग्राउंड स्पेस बाइक की मिल जाती है, 170 mm की सीट हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया था 805 mm का मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में गाइस, जो कि है इसका प्राइस गाइस। तो गाइस इसका जो पहले प्राइस था एक शोरूम वो था 214,000 और नाउ अभी इसका प्राइस हो गया है 216,000 एक्स शोरूम गाइस। तो आप देख सकते हैं 2000 का फर्क आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें गाइस, तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। हमारे सिटी में नाउ अभी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 247,959। आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। सो गाइज होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।